हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जी, मैं आज आप लोगों को कन्वर्सन का थर्ड क्लास लेकर के आया हूं। इससे पहले कन्वर्सन का फर्स्ट क्लास, जिसमें कन्वर्सन के कुछ रूल्स पढ़ाए गए हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद कन्वर्सन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आज भी मैं कुछ कन्वर्सन बता रहा हूं जो उसी रूल पर, फर्स्ट डे का रूल पर ही आधारित है। और ये जो टॉपिक है, इससे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और VVI है। इसको आप लोग पढ़ें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। कन्वर्सन, कन्वर्सन का मतलब ही होता है बदल देना। एक यौगिक से दूसरे यौगिक में बदल देना ही कन्वर्सन कहलाता है। उस दिन मैंने छोटा छोटा टॉपिक बताया था और आज मैंने उससे भी कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक में बता रहा हूं। तो चलिए, आज का पहला वीडियो का पहला जो है कन्वर्सन, आपको बनाना है मीथेन टू प्रोपेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4, इससे बनाना है C3H8। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो जब एक कार्बन से दूसरे कार्बन वाले यौगिक में जाना होता है तो हम ऊर्जा क्रिया से होकर के गुजरते हैं, लेकिन यहां पर एक कार्बन से तीन कार्बन वाला में जाना है। तो जब एक कार्बन से तीन कार्बन में वाले यौगिक में जाना होता है तो उसको सोडियम एसिटिलाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जैसे यहां पर देखिए, सोडियम एसिटिलाइड के साथ जो है एल्काइल हैलाइड अभिक्रिया करता है, तो इसको एल्काइल हैलाइड में बदलेंगे। CH4 इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह बच जाती है CH3Cl+HCl। यह मिथाइल क्लोराइड, यह एक एल्काइल हैलाइड है। इसको जो हम सोडियम एसिटिलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी सोडियम एसिटिलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम एसिटिलाइड, यह सोडियम एसिटिलाइड इसको अभिक्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा इथाइन बन गया अब प्लस NaCl, इथाइन बन गया। अब यह इथाइन है, एक तरह का एल्काइन होता है। एल्काइन से एल्केन बदलने के लिए हम आप लोगों को बताए होंगे कि हाइड्रोजनीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में, प्लैटियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो ये हो गया इथाइन CH3 और इसको जो है सो कराना है हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में, PD या बेरियम सल्फेट BSO4 की उपस्थिति में। तो ये बन जाएगा CH3CH2CH3, ये बन गया इथेन। इसी को सबमिट करके C3 और H8 लिख सकते हैं। तो ये बन गया ना मीथेन से प्रोपेन। तो ये एक आपका फंक्शन ग्रुप हुआ। अगला मैं फंक्शन ग्रुप की ओर बढ़ता हूं। तो चलिए, अगला आपका कन्वर्सन है दूसरा नंबर, इथिलीन से इथिलीन ग्लाइकॉल बनाना है। तो पहले जानिए कि इथिलीन का सूत्र क्या होता है, तो C2H4, इससे बनाना है इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2, यानी 1,2-diethanol या इथेन डाइऑल भी इसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये बनाना है। तो सबसे पहले जानिए इथिलीन ग्लाइकॉल बनती कैसे है, तो इथेनॉल से बनाना है C2H5OH। इथिलीन ग्लाइकॉल बनता है, इथिलीन को का जल अपघटन एल्कोहलिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराते हैं तो इथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। तो पहले एल्कोहल है ना, इथेनॉल है, इसको इथिलीन में चेंज कर देंगे। तो चलिए, एल्कोहल है CH3CH2OH, इसको इथिलीन में चेंज करेंगे तो इथाइल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, शांत कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
443 केल्विन ताप पर गर्म करने से, 443 केल्विन ताप पर गर्म करने से यह इथिलीन बनता है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू अब प्लस एच टू ओ, ये एच टू ओ को ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो ये इथिलीन बन गया। और इथिलीन की अभिक्रिया जो है, इथिलीन की अभिक्रिया जो है वह क्या करना है, जल अपघटन करना है, किसकी उपस्थिति में, जल एल्कोहलिक एल्कोहलिक के एम एन ओ फोर के उपस्थिति में करना है, तो ये बन जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल बन गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम, आपको एकदम ही कॉमन चीज है, ये पूछता ही है, इथाइन से इथाइन से बेंजीन बनाना है, बेंजीन इथाइन का फॉर्मूला होता है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इससे बनाना है सी सिक्स एच सिक्स, तो एसिटिलीन इसको कहते हैं। एसिटिलीन के तीन अणु को तांबे की नली से प्रवाहित करने पर बेंजीन बनता है, एसिटिलीन ये है, इसके तीन अणु जो है तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करते हैं तो ये बेंजीन बन जाता है, बेंजीन बन जाती है, या तो एक ही अभिक्रिया में जो है सो क्या हो गया, बन गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं, अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहे हैं, अब बनाना है बेंजीन से एनिलीन, तो यह जो है से बस वही नियम पर आधारित होगा जिस प्रकार एल्केन की अभिक्रिया हम हाइलोजन से कराते थे तो एल्काइल हैलाइड बनती थी, फिर एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से अभिक्रिया करा देते थे तो एमीन बन जाती थी, तो यह भी एक प्रकार का एमीन है, एरोमेटिक एमीन है, और यह भी जो है सो बेंजीन है एल्केन की तरह, इसको भी क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं C6H5 इसको क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा C6H5Cl+HCl, यह क्लोरोबेंजीन बन गया। जिस प्रकार एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया एमीन से कराते थे तो अमोनिया से कराते थे, इसको भी अमोनिया से अभिक्रिया करा दीजिए C6H5Cl+NH3 साइन ऑफ फेरो C6H5NH2 अब प्लस HCl, यह क्या बन गया, एनिलीन बन गया, एनिलीन इसको एमिनो बेंजीन कहते हैं, इसको आप कंकाली संरचना में लिख सकते हैं, जैसे ये बेंजीन हुआ इसको क्लोरीन से अभिक्रिया करा दिए तो यह हो गया क्लोरोबेंजीन, यह हो गया क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन की जो है अभिक्रिया फिर करा देना है अमोनिया से NH3 से, तो ये बन जाएगा NH2+HCl, ये बन गया एमिनो बेंजीन, इसको ये इसी का नाम है एनिलीन, आप जो है से दोनों स्ट्रक्चर में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे है बेंजीन से फिनोल बनाना है, एल्केन से एल्कोहल बनाने के लिए क्या करते थे, एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया करा देते थे और क्या कर देते थे, जलीय KOH से अभिक्रिया करा देते थे, तो उसी प्रकार जो है या C6H6 इसको हैलोजन से अभिक्रिया करा दी है क्लोरीन से, तो C6H5Cl+HCl, ये क्लोरोबेंजीन बन गया C6H5Cl, और इसको जो है सो जलीय KOH के साथ जो है उच्च ताप पर गर्म करेंगे ये C6H5OH+HCl बन गया फिनॉल बन गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमको अब एनिलीन से फिनॉल बनाना है या फिनॉल से फिर बेंजीन बनाना हो, यदि यहीं पर जो है छठा नंबर फिनॉल टू बेंजीन बनाना हो, फिनॉल से बेंजीन,
तो क्या करेंगे, C6H5OH से बेंजीन C6H6, तो C6H5OH यानी फिनॉल को जस्ते चूर्ण के साथ हम क्रिया कराने पर जो है सो बेंजीन बनता है, C6H6 प्लस ZNO बेंजीन बन गया। देखिए आ गया बनना फिनॉल से एनिलीन, C6H5OH से C6H5NH2, फिनॉल से एनिलीन बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, C6H5OH इसको PCl5 से अभिक्रिया करा देंगे, तो ये बन जाएगा C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। जैसे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन को C6H5Cl को NH3 अमोनिया से अभिक्रिया करा देंगे, तो ये बन जाएगा ए C6H5NH2 प्लस HCl, या क्या हो गया, एनिलीन हो गया, मर गया ना। यदि एनिलीन से मुझे फिर फिनॉल बनाना हो तो फिर जो है फिर एनिलीन को C6H5NH2 को नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे, तो C6H5OHN2 प्लस H2O, फिर फिनॉल बन गया। फिर फिनॉल को अगर PCl5 से अभिक्रिया करा देंगे तो फिर जो है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यदि फिनॉल को फिर जो है यहां पर फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ अभिक्रिया करा देंगे, C6H5OH को जस्ता चूर्ण के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तो C6H6 प्लस ZNO बेंजीन बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है सो ये सब कन्वर्सन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दो वीडियो कन्वर्सन का बता चुका हूं, ऐसे कन्वर्सन का तीन वीडियो है, जिसमें एक वीडियो जो है सो कन्वर्सन के रूल के लिए है, और वह रूल जो है सो आप लोग जरूर लिखें, लिख ले देख करके, ताकि उससे जो है सो व्हाट हैपेंस में कन्वर्सन दोनों जो है सो आपका बन जाएगा। इसके बाद मैं अगला वीडियो आप लोग को बनाऊंगा, ये उसमें आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।